अर्चना जी, आप सोच रही होंगी मैं गाना गा के क्यों एंट्री ले रहा हूँ? क्यों? क्योंकि एक आप ही हैं जो मेरे गाने की तारीफ करती हैं। हाय हाय। सीरियसली? नहीं तो आज जो हमारे यहाँ मेहमान आने वाले हैं, वो सारे ही सुरीले आदमी हैं, उनको समझ है, इसलिए वो तारीफ नहीं करते। तो नहीं, ये सच नहीं है, तुम बहुत अच्छा गाता है यार। लव यू अर्चना मैम। अच्छा आता है? अगर मैं अच्छा गाता हूँ तो आपकी साड़ी भी बड़ी अच्छी है। तो चलिए, आप सबकी जोरदार तालियों के बीच सबसे पहले बुलाते हैं एक बड़ी खूबसूरत जोड़ी को, जो दोनों है भी बड़े खूबसूरत, म्यूजिक भी बड़े कमाल का देते हैं, और दोनों इतने प्यारे हैं। प्लीज वेलकम सिंगर कंपोजर म्यूजिक डायरेक्टर मिस्टर सलीम एंड मिस्टर सुलेमान। क्या बात है, जोरदार तालियां एक बार सलीम भाई और सुलेमान भाई के लिए। थैंक यू, थैंक यू भाई, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। हैंडसम लग रहे हैं आप हमेशा की तरह। थैंक यू। कसम से आप तो सीधा हमेशा ऐसा लगता है जंग पे जा रहे हैं। मेरी मशीन गन लेके ही आता हूं मैं। भाई ये ज्यादातर हमने कभी देखा नहीं, आप ही के पास देखा है, तो आपने खुद ढूंढा है कि आपको कहीं पड़ा हुआ मिला था? ये ऐसी यही पे कहीं देखा या सेट से ही निकाला है? नहीं मतलब सीरियसली, मैंने सुलेमान भाई के पास ही देखा हमेशा ही। पहले मुझे लगा था इनकी गिटार किसी ने तोड़ दी है, उसके बाद जब ये यूं बजाने लगे तो मेरे को लगा अच्छा हुआ ये इंस्ट्रूमेंट थोड़ा अलग है। बड़े ऐसे भी हो सकता है ना कि गिटार को पिंपल्स और फोड़ी हो गई है। ये आपकी डिटेलिंग है, क्रिएटिविटी देखिए आपकी। आपको पता है भूमि एल्बम आया है, बड़ा ही कमाल का, बड़े खूबसूरत गाने उसमें। और आप लोगों को यह भी पता होगा कि भूमि का पहला पार्ट जो 2020 में आया था पिछले साल, और इस बार ये दूसरा पार्ट लेके आए। पर ये बात सच्ची है, हमने सुना है कि जब 2020 में आप पहला पार्ट लेके आए थे उस समय हमारा शो बंद था, तो आपको लगा कि यार उधर तो जा नहीं पाए, तो इसलिए आपने दूसरा पार्ट निकाला। कहते हैं ये बात बिल्कुल सही है, बिकॉज कुछ भी नया रिलीज होता है, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो एल्बम हो, या कुछ भी हो, कपिल शर्मा शो बनता ही है। और खासकर ये एल्बम मतलब इतना म्यूजिकल है, इतने अच्छे अच्छे गवैये हैं। हम सब जानते हैं कि कपिल भाई बहुत अच्छा गाते हैं, उनको म्यूजिक का मतलब ही इज रियली पैशनेट अबाउट, वेरी वेरी पैशनेट। सो मैं इतने सालों से देख रहा हूँ सलीम भाई को, सुलेमान भाई को, इतने फिट है, मतलब दो साल बाद मिलते हैं और श्रिंक हुए होते हैं ये। भाई च्यवनप्राश तो आप खाते ही हो, ये तो पक्का है, कौन से बाबा का खाते हो? हम तो क्या कपिल शर्मा का शो देखते हंसते हंसते इतना हंसते कि ऑटोमेटिकली श्रिंक हो जाते है। सलीम भाई सुलेमान भाई का नाम हमेशा साथ में लिया जाता है, और इनका ये मानना भी है कि हम दो जिस्म एक जान है। तो वैक्सीन आपने अलग अलग ली है? मुझे पता था कुछ आने वाला। मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ कि एक जान बोल के बड़े वाले को दिलवा दिया आपने? साथ में ही गए थे वैक्सीन लेने के लिए। ओके, ये बात सही है। क्या बात है, आधा मैंने लिया आधा इसको दे दिया। एक डोज ये एक डोज मैं। पर दोनों डोज ले ली ना आपने? ले ली। वो बहुत अच्छी बात है। आप लोग भी जिन्होंने अभी तक नहीं लिए वो ले लें फटाफट। भाई भूमि के बारे में बताइए कुछ, क्या कॉन्सेप्ट है ये, और भूमि ही नाम आपने क्यों सोचा? भूमि क्योंकि ये हमारी भूमि से, हमारी मिट्टी से जुड़ा हुआ है। और इस एल्बम में हमने सोचा था कि ये गवैयों का एल्बम करते हैं, इतने सारे कमाल के सिंगर्स हैं हमारे देश में, तो बहुत सारे कुछ कुछ गाने हैं वो कुछ ट्रेडिशनल गाने हैं, जो कुछ ठुमरियाँ हैं, कुछ फोक गाने हैं, कुछ नए कॉम्पोजिशंस बनाए हैं हमने, जिस जो हमारे हमारे रागों से, हमारे संस्कृति से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं जी। तो ये करना बहुत ज़रूरी था, बिकॉज यू नो ऐसा लग रहा था कि म्यूज़िक जो चेंज होते जा रहा है इतना जल्दी, हर छः महीने में एक नया स्टाइल आता है, उसमें कुछ अपनापन मुझे नज़र नहीं आ रहा था। अब हम कुछ वेट करें कुछ नया आने के लिए, तो बहुत ज़रूरी था हम खुद ही ये बदलाव बन जाए, खुद ही ये चेंज ले आए। हमारे संस्कृति से कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि क्लासिकल म्यूजिक है, राग है, फोक है, डिवोशनल म्यूजिक है, भजन है, कुछ विदाई के गाने हैं, कुछ कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे हिसाब से जो आने वाली पीढ़ी जो है ना, वो उनको ये जानना बहुत ज़रूरी है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसको एक नए अंदाज में पेश करें, ताकि उनके कानों को पसंद आए, लेकिन वो अपने गानों से, अपनी संस्कृति से जुड़े रहे। क्या बात है भाई, बड़ी खूबसूरत बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा ये आपकी हिंदी बड़ी कमाल की है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा भूमि के अगर पांच पर्यायवाची शब्द बताएं। पांच? जी। धरती। हाँ। पृथ्वी भी बोल सकते हैं। हाँ। मट्टी, धरा। सिंपल है, भूमि, भूमि वन, भूमि टू, भूमि थ्री। जोरदार तालियां दिलीप सुलेमान साहब के लिए। आइए भाई, आप हो जाइए। मैंने भी किसके सवाल को सीरियसली ले लिया? नहीं, आजकल ऐसे चलता है, जिस्म वन जिस्म टू,
हाँ, ऐसा प्रायवाची कहाँ याद रहे हैं, मतलब अच्छी बात है अगर आपको मेरे कहने पे अगर आपको प्रायवाची का पता है, बहुत बड़ी बात है। इस एल्बम में 25 से ज्यादा सिंगर्स ने गाने गाए हैं। ओह माय गॉड, रियली? वाओ भाई, 25 गाने कंपोज करना ज्यादा मुश्किल था या 25 लोगों को एक साथ इकट्ठे लाना? है तो 10 गाने, अच्छा, पर कुछ कुछ गानों में 3 या 4 सिंगर्स भी है। ओके, कुछ गाने सिर्फ एक ही सिंगर गा रहा है। ओके, तो इस तरह से कॉम्बिनेशन था, जैसे कि एक पहला गाना था जा जा रे अपने मंदिर वा, ये 300 साल पुरानी एक बंदिश है। हाँ जी, मुगलों के जमाने की बंदिश है और राग भीम पलासी में सभी ने सुनी है। कोई भी आज क्लासिकल म्यूजिक सीखने जाता है तो पहली बंदिश वो ये सीखता है, जा जा रे अपने मंदिर। ऐसी बहुत पुरानी चीजें, कुछ कुछ ऐसी ऐसी चीजें हैं जो मेरे हिसाब से उसको वापस तराश के एक बार फिर पेश करना बहुत जरूरी था कपिल भाई। बहुत अच्छी बात, दैट्स व्हाई आई फेल्ट के, और फिर इसको गाया है हमारे मांगणिया फोक कम्युनिटी के 3 कमाल के सिंगर्स और विशाल ददलानी, तो हम फोक और रॉक का एक कॉम्बिनेशन किया हमने इसमें। 25 सिंगरों ने गाया है और 26वें सिंगर से आज ये प्रमोशन करवा रहे हैं। यस, तो अच्छा। जब आपको पता था 26वां सिंगर बड़ा इंपॉर्टेंट है तो उसको क्यों नहीं बुलाया आपने? 26वां सिंगर को फोन किया था, अच्छा? लेकिन तो भूमि के लिए किया था आपने? जी जी, हमने फोन किया था लेकिन उनकी तबीयत थोड़ी नासाज उस समय। हाँ, वो हमारा शो भी ब्रेक पे था और थोड़ा इंजरी हुई थी। और भाई आई लव यू यार, थैंक यू। मेरी बुरी किस्मत है, नहीं गा पाया, थोड़ा चल रहा था काम खराब, पर आप ये हमारे खत्म थोड़ी ना हुआ है जी, ये तो शुरू हुआ है, अभी तो शुरू हुआ है, जो नहीं है। हाँ, अभी तो सीनियर सीनियर सिंगर्स को गा लो, हमारी तो अभी बड़ी टाइम है, हम तो बड़ा गाएंगे। माशाल्लाह बहुत कमाल गाते हो। अरे भाई ऐसे बस, अच्छे लोगों को सुनता हूँ थोड़ा बहुत। आपको कभी हमारे शो से फोन आए कि आप अपनी एल्बम लेके आइए, प्रमोशन करेंगे, पैसे कोई मांगे, मना कर देना, पता क्यों? नहीं, कई कई सिंगर्स को फोन आए बीच में, एक बार सोनू निगम आए थे तो उनको किसी लेडी का फोन आया कि 50,000 रुपये मुझे दो, इस शो की एडिटर भी मैं हूँ, नहीं तो मतलब मैं ओपनिंग सॉन्ग कटवा दूंगी। ऐसा कोई अगर आपको फोन आए तो आपने नहीं मानना। सो दोस्तों, अब वक्त हो गया है भूमि एल्बम के और भी धमाकेदार सिंगर्स को मंच पर बुलाने का। प्लीज वेलकम हम सबकी फेवरेट दमदार धमाकेदार सिंगर सुनिधि चौहान। वाह वाह वाह, थैंक यू चौहान साहब, थैंक यू सो मच, हेलो, वेलकम सुनिधि। थैंक यू, कमाल है। ओहो सुनिधि, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत प्यारी लग रही हैं आप और रॉक स्टार हो आप, मैं हमेशा आपको यही कह के बुलाता हूँ। जैसे आप आई ना खूबसूरत साड़ी पहन के, अर्चना जी भी खड़ी होगी अपनी दिखाने के लिए। मेरी भी नहीं ली है, नहीं मेरे को पता, इसीलिए खड़ी हुई थी आप अपनी साड़ी दिखाने के लिए। सुनिधि के गाने पर उठी हूँ मैं। अच्छा, साड़ी दिखाने के लिए नहीं, मुझे लगा आप भी साड़ी दिखाने के लिए, सॉरी। सुनिधि सबसे पहले तो आपको ढेर सारी मुबारकबाद, 25 साल हो गए आपको इंडस्ट्री में, वाओ, और 24 की ये खुद लगती हैं। मेरे को तो ये लगता है जब ये पैदा हुई होंगी ना, पैदा होते ही नर्स को कहा होगा, वेयर्स माय माइक, आई हैव टू गो टू माय कंसल्ट। सीरियसली सुनिधि, एक बात बताइए, 25 साल आपको हो गए हैं, अपने बारे में आज तक आपने सबसे बड़ा झूठ क्या सुना है, कोई अफवाह सुनी हो आपने? यही के 25 साल की, मतलब जब मैं पैदा हुई थी तो ही मैंने कॉन्सर्ट में जाना शुरू कर दिया था, ये एक बड़ी कमाल की अफवाह है। और दूसरी ये कि 25 साल मुझे हो गए, ऐसा है नहीं, अच्छा, मैं तो सिर्फ 24 की हूँ। तो लेकिन बहुत प्यारी लग रही हैं आप, और समझ में नहीं आता कि आप ज्यादा खूबसूरत हैं कि आपकी आवाज ज्यादा खूबसूरत है। आइए, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। देखो आज हमने आप मैचिंग रखा है, सोफा भी आपके लिए। दोस्तों अब वक्त है एक और धमाकेदार सिंगर को मंच पर बुलाने का, आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम हर्षदीप कौर। वाह, सत श्री अकाल पाजी, बहुत बहुत स्वागत है। मेरी पैंट किदा? बहुत बढ़िया जी, प्यारी हरी मिर्च लग रही हो आप आज। मैं तो एवोकाडो बन के आई थी। अच्छा, तुसी पिछली बारी मैंने एवोकाडो क्या सी। इतनी प्यारी है ना, हर हमेशा स्माइल करती रहती है, ऐसा लगता है इसको जिंदगी में जितने भी शोज आगे करने हैं ना, सबकी पेमेंट एडवांस में आ चुकी है, ऐसा देख के लगता रहता है मुझे। बहुत बहुत स्वागत है हर्ष, थैंक यू, प्लीज विराजमान हो जाइए। बहुत बहुत मुबारक हो आपको छोटे बेबी हुनर के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू, और आपको डबल मुबारक। हाँ, डबल, बहुत बहुत धन्यवाद। एना नायरा, देखो ये तो ऊपर वाले की रजा है, अच्छा, उसका है। ऐसे प्लान नहीं किया था। नहीं, हमारी एक्चुअली प्लानिंग नहीं थी, एक्चुअली हो जाता है, लॉकडाउन था ना। अब मैं जिनको यहाँ पे बुलाने जा रहा हूँ वो ये छोटे पैकेट में एक बड़ा धमाका है। प्लीज वेलकम मिस्टर सलमान अली। वेलकम, कैसे आप? जोरदार तालियां सलमान के लिए।
सलमान आपका बहुत बहुत स्वागत है, आइए विराजमान हो जाइए. अच्छा पिछली बार सलमान जब आया था ना इंडियन आइडल के कंटेस्टेंट्स के साथ आया था, इस बार जजेस के साथ आया. अगली बार बच्चन साहब को लेके आने वाले भाई. कैसे हो आप? बड़ा कमाल का टैलेंट है. बहुत बढ़िया, थैंक यू भैया. एक बात बताओ सलमान, अभी आपको प्रोफेशनल सिंगर वाली पूरी फीलिंग शुरू हो गई या नहीं, कि अभी भी गाने के बाद आप वेट करते हो कि कमेंट आए कोई? रोज शो कर रहा है, रोज. वो तो करता है, मैं कहा जब आपके सामने आता है तो वेट तो नहीं करता कि भाई कैसा गाया, कमेंट आदत हो जाती है ना कमेंट सुनने की. कपिल भैया मैं बताना चाहता हूँ कि मुझे आज भी बहुत डर लगता है, मैं जब ऐसे लोगों के सामने जब गाता हूँ कसम से मुझे बहुत डर लगता है. और ये बात सच्ची है कि मैं कमेंट का वेट करता हूँ कि पता नहीं क्या बोलेंगे, क्योंकि उससे कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है. ओहो, इसीलिए अब जब नाम लेते हैं ना, प्लीज वेलकम सलमान अनी, लगता है कि बड़ा लंबा सा बंदा आएगा एक शेरवानी पहन के, है ना, और बाद में सलमान आता है छोटू सा और ऐसा गाता है, क्या बात है यार. गॉड ब्लेस यू ब्रो. थैंक यू सो मच. थैंक यू पाजी. हम जब यहाँ से गा रहे हैं तो वाकई लग रहा है कि वहाँ जज साहिबा बैठी हैं और हम रियलिटी शो में पार्ट लेने आए हैं. अर्चना जी इज लुकिंग लाइक अ जज. ऐसा लगता है आप नंबर मिलेंगे 10 में से. इसको तो मिलते थे नंबर मेरे से, कपिल को 10-10 ही देती थी. हाँ थोड़े कॉम्प्लीमेंट भी दे दिया कर मुझे, हमेशा मेरा मजाक उड़ाता रहता है. आपके चक्कर में सिद्धू जी उठवा दिया और क्या चाहिए. शोज कितने लगा रहे हैं महीने में सलमान, लॉकडाउन खुलने के बाद? 28. सच्ची बोल रहा हूँ, आज भी था उसको कैंसिल करना पड़ा आज. नुकसान हो गया बेचारे का. ठीक है, महीने में ठीक हो जाता है. जब तुम हंसते हो तो मैं दिखाई देता है. एकदम ऐसे ऐसे हो जाता है ना सलमान, खुश हो जाता है. पर मेरा बड़ा प्यारा छोटा भाई है, दिल से हंसता है, दिल से हंसता है कलाकार. अब क्या है, लॉकडाउन में मास्क पहनना पड़ता है तो हंसा है तो पता कैसे चलेगा. एक और नई चीज आ गई भाई, मतलब जिसको चश्मा लगा होता है ना उसको मास्क पहनता तो ऊपर से स्टीम निकलती है और धुंधला आ जाता है. अब अंधेरी में घूम रहे आपको लगता है आप लोनावला आए हो, ऐसी फीलिंग आने लगती है. क्या कमाल का ऑडियंस आया है आज. ऑडियंस, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया? किया. कभी किसी को दिल दिया? किया. बस इसी फालतू काम में लगे रहो. मैंने कितनी बार कहा है लाइट के पास मत खड़े होकर, आपकी मैक्सी ट्रांसपेरेंट है, फिर आप चले जाते हो. आज म्यूजिक इंडस्ट्री का बादशाह लोग इधर आए, एक बार जोरदार ताली हो जाए. क्या बात, आप सब लोग का दुबई में बहुत बार बार फैन है. हाँ, उधर का गवर्नमेंट आप सबको बहुत प्यार करता है. वो मेरे को बोला कि जब सबको मिलेगा उनका सम्मान करना. मैं करूं? हाँ करो. बीच में संजय दत्त निकल रहा है. क्या करूं, तू 50 तो कैरेक्टर करवाता है मेरे से. एक मिनट, ये लो. ये क्या है? ये आप लोगों के सम्मान में. ये क्या कर, ये क्या है? शॉल देते हैं, उससे सम्मान करते हैं. ये शॉल से ज्यादा गर्म करता है. इसके साथ तो तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हो. अरे तुम वो है, वो सलमान अली? अरे माशाल्लाह. एक मिनट सेल्फी. अब तुम घर जाके बोलना कि तुमने सेलिब्रिटी के साथ फोटो लिया था. सर मेरा एक कंफ्यूजन है जरा, आप लोग तो म्यूजिक का बादशाह लोग है, आप बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट बजाता है, एक इंस्ट्रूमेंट है ये इसको क्या बोलता है कपिल, ये इंस्ट्रूमेंट को? ये तो बांसुरी है. हाँ, ये बाजता क्यों नहीं है? ये तो मिट्टी तो भरी पड़ी है आप में उसमें पूरा. ये जरूर हमारा अब्बा का कारनामा है. क्यों? अरे हमारा जो अब्बा है ना अर्चना जी, वो सड़क का काम करता है तो जिधर भी खड्डा देखता है वो भर देते हैं. हाँ, मैंने अभी वो इन्वेस्ट किया है शेयर मार्केट में. अच्छा, देखते हैं कितना पैसा वापस आता है. कितना लगाया? 20 रुपया. 20 रुपए में क्या होता है? अरे 20 में 10 लगा दो तो 30 हो जाता है. 30 से क्या होता है? 30 में से 5 निकालो तो 25 हो जाता है. ऐसा टाइम पास चलता रहता है, बहुत मजा आता है. शेख साहब, इतने धुरंधर लोग आए, कोई म्यूजिक की बात करो आप. अरे क्यों नहीं, म्यूजिक का तो बहुत शौक है अपना सलीम भाई को. अरे इतना इनको इंस्ट्रूमेंट बजाने का शौक है अर्चना जी. हम लोग जब सड़क पे गाड़ी चलाता है, सामने से गाड़ी आ जाए तो हम लोग क्या हॉर्न मारते हैं ना. इनके सामने गाड़ी आ जाए ये पियानो बजाने लगते हैं. हाँ मेरे को भी पता है, कुछ भी है. और एक और बात, इससे गंदा वाला सुनो.
ये जो ट्रैफिक पुलिस वाला है ना, इनको देख के कभी भी सीटी नहीं बजाता है। क्यों? क्योंकि ये सिग्नल नहीं तोड़ता है ना। जरूरी नहीं है हर जोक म्यूजिक का ही होगा। खैर, बहुत अच्छा लगा आप लोग से मिलके, आप लोग की फिल्म का प्रोमो देखा बहुत अच्छा लगा। फिल्म नहीं आई है, भूमि एल्बम आई है। अरे वाह वाह, एल्बम के लिए जोरदार ताली हो जाए। माशाल्लाह। अरे वाह, बच्चा कैसे आई? हमारा ऊंट आ गया। हाँ इधर कैसे बाबा? चलो चलो हमारे चलते चले आज। एक मिनट सलमान, क्या ये बोलता है? तुम्हारा बहुत बार फैन ही है। शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया। नहीं शुक्रिया नहीं, उसको गाना सिखाओ। आओ आओ आओ, गाना सिखाओ इसको। बहुत बार फैन है, इसको प्यार तो करो। है कहाँ पर? कहाँ पर है? इधर है। इधर? हाँ दिख नहीं रहा मेरे को तो। खड़ा हो गया ना वो, इधर मुंह है उसका। आप एक आलाप लगाओ, जोर से आलाप लगाओ। चला गया वो तो। फिर मैं उसको पकड़ता, एक मिनट का फिर मैं आता। अच्छा, आप सब लोग सोशल मीडिया पे रहते हैं ना सलीम भाई? आप सब, मैंने देखा है आप सब लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हो। कभी कभी आप अपने फैंस के लिए कुछ फोटोग्राफ्स डालते हो, वीडियो डालते हो, कमेंट्स पढ़ने का टाइम नहीं होता। तो हमारे पास बहुत बड़ी टीम है, एक आदमी की बिल्ला है वो ऐसे कमेंट्स पढ़ता रहता है और फिर ढूंढ के हम निकाल के अपने स्टार्स को दिखाते हैं। मैं चाहता हूँ आप लोग भी देखिए आपकी फोटोग्राफ्स के नीचे क्या क्या फनी कमेंट्स लोग लिखते हैं, मजेदार। जी दिखाइए। Oh wow, you don't need to run after success if you're working hard where you are and improving and so much English. Comments padte, comments padte. हाँ जी आइए। उठ जाओ, बोनट गर्म हो गया तो खुद की डिग्री जल जाएगी। वाकई मैंने इस पढ़ा था मैंने। इसलिए मैं गाड़ी वैले वालों को नहीं देता, वरना वो ऐसे ही बैठ के फोटो खिंचाते हैं। और दिखाइए भाई, पेट्रोल पे है या डीजल पे? किसने रिप्लाई लिखा, महंगी है लोन पे होगी। महंगाई। सर जी आपने गाड़ी रखी है, इस गाड़ी ने आपको रखा है। ये कौन है? आगे दिखाइए। और पोस्ट गिग पिक स्टिल ग्रोइंग स्टिल फ्लोटिंग डोंट सी द चेयर सी द क्लाउड्स। वाह, ऐसी खूबसूरत लाइनें लड़कियों के दिमाग में आती हैं, हमारे आती नहीं। हाँ यार बात तो सही है। दिखाइए कमेंट्स। क्लाउड तो दिख नहीं रहे और आप बैठ गई हैं, चेयर भी नहीं दिख रही, अब क्या देखें बताइए। अब एक क्लाउड और चेयर छोड़, तिजोरी देख पीछे। क्या बात, किसने कहा था गहने सेफ में रखो, भूल गई ना पासवर्ड। अच्छा हाँ पीछे वो है। और दिखाइए, जब ऑडियंस से पहले पहुंच जाओ तो ऐसे ही वेट करना पड़ता है। और दिखाइए। एंड देन हाउ द हेल डिड वी एंड अप लाइक दिस। वाह, ट्रक पे बैठे हैं तीनों। दिखाइए और क्या कमेंट्स। आप ट्रक के ऊपर भी शान के साथ बैठे हैं। हाय हाय। अच्छा शान भी है, शान भी है उसमें। टोल नाके से पहले उतर जाना वरना ऊपर बोर्ड पे ही लटके रह जाओगे। क्या बात है। और दिखाइए, ट्रक वाले पे भरोसा नहीं है, ठेका ढूंढने के लिए खुद ही ऊपर बैठे। और दिखाइए। नो कैप्शन। मैंने बताया ना लड़कों को नहीं कैप्शन सूझते। देख लो आ गया बिना कैप्शन के। दिखाइए। लगता है नीचे कैप्शन ढूंढ रहे हैं। टू फनी। सोच रहा है 1 BHK को धक्का मार के 2 BHK कर दूं। सलमान भी लाइक सालों ने घर बुला के बंद कर दिया, बिना गवाए नहीं छोड़ेंगे। 4 पैक के बाद बंदा सोचते हुए मैं मोजे पहन के आया था या नहीं। और दिखाइए।
Vadodara, seeing you in a few hours. Okay, can't wait to entertain you tonight. Beautiful picture. दिखाइए जरा comments. शर्ट इतनी कलरफुल पहनी हो आप गाना गाओगे या जादू दिखाओगे? मेन्यू में चाइनीज नाम देख के खाना ऑर्डर तो कर दिया, अब गूगल पर चेक कर रही हैं कि मछली आएगी या केकड़ा. पता सब होता है, फोटो खींच रही है, बस एक्टिंग करनी होती है. और दिस जलेबी इज बिगर देन माई फेस. अमेज टू सी द वास्ट वैरायटी ऑफ फूड इन इंदौर. ओके, इस सच्ची में खाई थी आपने जलेबी हर्षदीप? इतनी बड़ी पूरी कैसे? थोड़ी सी खाई थी, मतलब खाई थी पूरी. तो फैमिली जलेबी है. हम पूरा बैंड गया था, जलेबा बोलते सबने थोड़ा थोड़ा. आपको तो पता होगा आई एम श्योर. और आप तो एक ही बार में खा भी सकती हैं. दिखाइए जलेबी के नीचे कमेंट्स. जब डाइटिशियन ने कहा सिर्फ एक ही जलेबी खा सकते हो. लड़कियां ऐसा ही करती हैं, फोटो खिंचाने के चक्कर में जलेबी ठंडी कर देती हैं और फिर कहती हैं ये तो ठंडी है दूसरी दो. इन्हें तो सिर्फ देखनी है, खाएगा तो वो जो फोटो खींच रहा है. ये मैं हूं, ये मेरी जलेबी है और ये हमारी पावी हो रही है. और दिखाइए कदम कदम. सुनिधि, कभी आपके साथ ऐसा हुआ आप किसी के बर्थडे पे गई हो और आपको कोई ऐसे कोल्ड ड्रिंक ला के रखे और सामने वाला बोले नहीं अरे इनको नहीं अभी तो इनको गाना है और आप हैरान हो कि मैं तो केक खाने आई थी और ये मुझसे गाने की उम्मीद कर रहे हैं, ऐसा फंसते हैं आप? ऐसा बहुत पहले हुआ था. अच्छा, लेकिन सच बात यह है कि ये सब चीजें खाने से कुछ होता नहीं है. हाँ, मैं तो आपको एक्चुअली नहीं कुछ होता क्योंकि भगवान की इतनी कृपा है आप पे. आई थिंक आप भी लाइव शोज करते हैं, आपको मालूम है अगर गला ऑलरेडी खराब है उसमें आप ये और कमाल कर दें इसको खा के तो बुरी हालत हो जाती है. बट अदरवाइज आई थिंक हम सब सब कुछ खाते हैं और खाना तो जैसे गाने में मजा आता है, खाने में मजा आता है. तो ये पूरा कनेक्टेड है, गाना खाना. खाने लोग खाने के बड़े शौकीन होते हैं एक्चुअली. और मैं दिल्ली से हूं. हां कपिल भैया, मेरे साथ कई बार ऐसा होता है. अच्छा, कि जैसे कई बार क्या होता है कि वैसे तो हम कोल्ड ड्रिंक बहुत कम पीते हैं, जब कभी मन रहता है ना जैसे गर्मी है और बहुत मन है पीने का, चलो यार एक अब कोई लाता है, जबकि कहीं पर जाते हैं हम तो कोल्ड ड्रिंक लाता है, अरे तो लो कोल्ड ड्रिंक लो. अब जैसे हाथ आगे जाता हूँ तो आस पास बैठे रहते हैं, अरे नहीं ये नहीं पीता इनका गला खराब हो जाएगा, इनको मत दो, इनके लिए तो ये नहीं पीगा. फिर और आपके साथ तो और भी होता होगा, आप म्यूजिक डायरेक्टर हैं, आप कभी किसी के घर गए और सडनली आप निकलने वाले हैं और उसका आपका एक मिनट, हमारा एक भांजा आया कोल्हापुर से, ये सुना गाना भाई साहब, हाँ, और उसने गाया भी इतना गंदा हो. ज्यादातर यही होता है. और ऐसा बोल भी देते हैं इसका कराओ अपने शो में कुछ ऐसे पीछे मंजीरे मंजीरे बजा लेगा, बजा ऐसे बोलते हैं ना कहीं, बड़े लोग बोलते होंगे इसका करा दो कुछ. आते हैं आपको फरमाइश? बहुत बार ऐसा होता है लेकिन करना पड़ता है. वाह वाह क्या बात है, अच्छा लगा. अच्छा, मेहनत करना लेकिन जरूर, क्योंकि खाना खाया उनके घर में तब क्या है ना, कुछ तो कहना पड़ेगा ना, कुछ तो बोलना पड़ेगा कि मतलब उसके बाद दोबारा नहीं जाते कभी. कभी नहीं. हर्षदीप के बारे में एक हमने बात सुनी है कि ये जब भी किचन में जाती है ना तो कोई एक्सपेरिमेंट करती है ये. हाँ. खाने के साथ. तो जब आप वो एक्सपेरिमेंट कर लेती हैं. हाँ जी. खाने के साथ पहले खुद चखती हैं या किसी और को चखाते हैं कि तू खा, अगर तेरे मुंह से जाग नहीं निकली तो फिर मैं खाऊंगा, ऐसा करती हैं आप? मैं कुछ शैम्पू थोड़ा ना डालती हूँ खाने में जाग नहीं, मैं खुद ट्राई करती हूँ. क्या किस तरीके के एक्सपेरिमेंट करती हैं आप? मतलब क्यूजिंस मिक्स कर देते हैं कभी, मतलब चाइनीज में थोड़ा मिर्च का तड़का लगा दिया. अच्छा. या देसी घी डाल दिया. देसी घी. मेरी मदर इन लॉ यहाँ पर आई हुई हैं, मैं कहना चाहूँगी कि वो हर चीज़ में इतना मुझे देसी घी खिलाती हैं. और अगर आपको मेरे स्क्रीन पे मेरे गाल मोटे लग रहे हैं या मैं थोड़ी हेल्दी लग रही हूँ तो थैंक्स टू बोथ माई मदर, मेरी मदर और मदर इन लॉ. मम्मी वाकई देसी घी बड़ी खिलाती हैं, मेरी मम्मी भी देख लो 2 किलो तो इधर से निकल रहा है. अच्छा, ये बड़ी कॉमन चीजें होती कई लोगों के साथ, कभी कभी एयरपोर्ट पे कोई आपको मिले कहते हैं सर आपका बड़ा फैन, एक ऑटोग्राफ हो जाए. बाद में आपने ऑटोग्राफ दिया, थैंक यू सो मच, आपको पता नहीं कलाशकर साहब मैं आपका कितना बड़ा फैन हूँ. कभी ऐसा भी ऐसा होता है कि फोटो वोटो खिंचा के बाद में नाम कोई और ले लेते हैं कई लोग? ऊपर वाले की बड़ी कृपा है. मेरे साथ एक बड़ा अच्छा हुआ, जिस वाक्य से मुझे एक्चुअली प्यार हो गया, मुझे बड़ी खुशी हुई वो जान के. मुझे एक बहुत ही सज्जन महिला आई मेरे सामने, एयरपोर्ट पे थी मैं, और उन्होंने कहा कि
उन्होंने इतना ही कहा, तो मैंने बोला हम लोग मास्क वास्क पहने हुए थे. नो. फिर उसके बाद वो अपने हस्बैंड के पास गई, उन्होंने कुछ बात बात की और फिर वो वापस आई. आप टेक की मम्मा हो ना? I can understand the feeling. I was so happy कि टेक की मम्मा आया. कहा yes, very proudly. मैंने मास्क भी उतारा, मैंने कहा yes, मैं टेक की मम्मा. कहीं तो इतना confused करते हैं ना, तो कि आपको मान लो एयरपोर्ट बैठे हो आप और उनके मन में पता नहीं क्या चल रहा, आपको ये लगता है कि अभी ये पहचानेगा, बात करेगा तो ऐसे बैठे रहेंगे फिर. और आप स्माइलिंग शेक भी कर देते हो. फिर कितनी देर घूमते रहेंगे ना, फिर देखेंगे. पाजी मेरे साथ तो बड़ा फनी चीज हुआ है. मेरे नाम की वजह से हर्षदीप कौर है, तो कईयों को लगता है कि शायद इनका निकनेम हार्ड कौर है. अच्छा. तो बहुत लोग मुझे वो रैपर अपनी तरन हार्डकोर समझते हैं. एक बार मैं एक शो करने गई थी, कोई छोटी सिटी थी, तो मेरा नाम अनाउंस हो रहा है, मैन वेलकम हार्डकोर. और पीछे पोस्टर लगा हुआ हार्डकोर का. और मैं वहाँ अपनी वो पगड़ी वाली लुक में वहाँ पहुंची हूँ और सडनली मुझे अनाउंस करना पड़ रहा है मैं हार्डकोर नहीं हूँ, आपको सूफी गाने सुनने को मिलेंगे. तो देखो पाजी ऐसे कन्फ्यूजन भी होते हैं. एक्चुअली बहुत बार होता है. कपिल भैया एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूंगा. जी. कि एक बार मेरे साथ भी ऐसे कुछ हो गया था कि एक लड़का था, बोला भाई मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, एक साथ फोटो आपके साथ कराना चाहता हूँ. मैंने कहा हाँ भाई करा लो करा लो. उसने फोटो कराया, फिर बाद में बोला अच्छा भाई आपका नाम क्या है? मैंने बोला भाई सलमान अली. कभी ऐसा हुआ सलमान आपको किसी ने फोन करके बुलाया कि मैं आपके गाने का बड़ा फैन हूँ, एक रिकॉर्डिंग करनी है आप ही के लिए है वो गाना, और जब आपने गाया और पेमेंट मांगी हो तो उसने कहा बेटा अभी गला खुलेगा, अभी तुम्हारा अभी टाइम है, ऐसा भी होता है? नहीं नहीं अल्लाह का शुक्र कभी ऐसा नहीं हुआ. अच्छा हमारे आर डी बर्मन साहब, मैंने देखा वो आप हम सबके उनके फैन है. जैसे एक गाना है ना कि मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, मेरा वो सामान लटा दो. ये नॉर्मल बातचीत है, पर उसका भी गाना बना दिया उन्होंने. तो सुनिधि सलीम भाई, एक ना डॉक्टर की पर्ची है, ये पांडे दिखाने गया था डॉक्टर को, तो डॉक्टर ने ये लिख के दिया था उसको, तो ये आपका बड़ा फैन है, कहता है आप अगर इसकी कंपोजिशन करवाते तो. ओहो चलो कुछ करते हैं, कुछ एक रिदम विदम लगाओ यार, कोशिश करते हैं. हाँ चलिए एक्सपेरिमेंट करते हैं. वाओ डॉक्टर की पर्ची में इतनी जो मेलोडी डाली आपने, अगर हम लोग भूल गए ना शूटिंग हो रही है, हम अपने मजे ले रहे हैं. यही होता है जब इतने सारे खूबसूरत कलाकार बैठे हो. वाह क्या बात है, थैंक यू. तो हमारे ये दर्शकों के कुछ सवाल होते हैं जो वो हमें देते हैं और हम के फेवरेट स्टार्स उनसे पूछते हैं. कभी ऐसा हुआ है सुनिधि आपके साथ या आपके साथ कि कभी आपने गाना गाया हो और आपको नहीं पता कि आप किसके लिए गा रही हैं, और फिर सडनली जब वो गाना रिलीज हुआ आपको लगा ओ माय गॉड ये तो मेरा फेवरेट एक्टर है, ऐसा हुआ आपके साथ कभी? हाँ मैं कह सकती हूँ, क्योंकि मैंने जब परिणीता के लिए गाना गाया था कैसी पहेली है जिंदगानी, तो स्टूडियो में एक्चुअली रायमा सेन आई थी जो उस फिल्म का हिस्सा है. okay. तो मुझे लगा वो गाना उनके ऊपर है. okay. फिर उसके बाद जब गाना रिलीज हुआ तो मैंने वो रेखा जी के ऊपर देखा. wow. yeah. And I was shocked. मतलब ये कैसे हो सकता है कि उन्होंने एक्चुअली मेरी आवाज को इतना यंग इतना खूबसूरती से उन्होंने परफॉर्म किया कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि यू नो मतलब मैं क्या बोलूं, मैं शॉक थी कि उस एज में उस ओदे की आर्टिस्ट इतना इनोसेंस और इतने यू नो इतने मजे लेकर और यू नो उसको वो परफॉर्म कर रही थी. मैं ये जो जिंदगानी ये जो है इसका क्रेडिट मैं नहीं लूंगी, ये इंडियन आइडल पे जब मैं जज थी तब उषा उत्तम जी आई थी. अच्छा. और हम दोनों ने साथ में ये गाना गाया था. okay. उन्होंने इतना स्ट्रॉन्ग इसको इतना ब्यूटीफुली गाया था कि ये जगह मेरे दिमाग में रह गई और मैं से तब से अब तक हमेशा अपने शोज में यहाँ पर भी बस गा दिया. सो थैंक यू उषा जी, इट्स फॉर यू. 6:30 बजे तक लौटा देना ठीक है. हाँ वाह 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 क्या बात है, वाह क्या समा है, ओहो हो देखो जरा तालियां होनी चाहिए. संगीत के महारथी यहाँ आए हैं, क्या बात है. हेलो सलमान, हेलो जी, हेलो हर्षदीप, हेलो सुलेमान, हेलो सुनिधि, हेलो सलीम, क्या बात है. वाह 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 ये हमारे शो की नकली आशा जी हैं.
वाली इतना कुछ कर रही है तो नकली वाली भी तो कुछ करे ना. क्या बात है. देखो क्या बात है, यहाँ सलीम जी आए हैं, कितने बड़े शख्स हैं. ये मेरे फेवरेट हैं एकदम. अच्छा. मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. देखिए आप यहाँ हैं इसलिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन आज भी दीवार मेरी फेवरेट पिक्चर है. ये राइटर सलीम साहब नहीं है, ये सलीम म्यूजिक डायरेक्टर है. अच्छा. हाँ, तो मेरी इतनी भी फेवरेट नहीं थी. मेरी फेवरेट पिक्चर है इटर्नल सनशाइन ऑफ द स्पॉटलेस माइंड. ये कौन सी फिल्म है? ओहो सॉरी, ये तो इंग्लिश हो गया. कपिल और इंग्लिश. वाह, देखो ये आज के दौर के सिंगर्स हैं, क्या बात है. देखिए बेटा मैं कहना चाहूंगी कि आप सबसे बड़ी लता है हमारी. आप सबसे बड़ी आशा है हमारी. लेकिन बड़ी तो लता दीदी है ना. है ना, लाल फूल नीला फूल लता दीदी ब्यूटीफुल. आप कुछ लेंगी? आप हमारे यहाँ आई चाय कॉफी वगैरह लेंगी? बीड़ी. हाँ जी. मेरा मतलब है बीड़ी जलाई ले जिगर से भी. सुनिधि का गाना है. वाह वाह वाह, एक परफॉर्मेंस हो जाए तो मजा आ जाए. Look at the face, यार. Awesome. देखिए एक बात जरूर कहूंगी, पहले का जमाना कुछ और था, आज का जमाना कुछ और है ना. है ना अर्चना? देखो पहले जो था कि तानसेन गाते थे तो दीपक जल जाता था, और आज देखिए सुनिधि गाती है तो हरदीप जल जाती है. हरदीप गाती है तो सुनिधि जल जाती है, और ये दोनों जब गाते हैं तो मुझसे तो रहा ही नहीं जाता. मतलब नकली हुई तो क्या हुआ, जलन तो असली है ना. है ना? अभी ये सब छोड़िए, आप देखिए ना यहाँ पे कितने अच्छे अच्छे सिंगर आए हैं. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, देखो सब यहाँ है. लेकिन मैं सच कहूंगी मुझे सबसे ज्यादा पसंद ना बादशाह है. बादशाह? हाँ, बादशाह. बादशाह क्योंकि तीन बादशाह मिल जाते हैं ना तो मैं पूरा का पूरा गेम जीत जाती हूँ पत्ते का. लेकिन एक बार तो जोकर आ गया था पत्ते में, नहीं सर्कस में, बड़ा हंसाया. इतना हंसा. देखो वैसे तो मैं यहाँ आ गई हूँ लेकिन मैं बड़ी बिजी रहती हूँ. मुझे पता है हर लेडीज संगीत में बुलाया जाता है. संगीत के लिए नहीं, लेडीज हूँ ना इसलिए. इनको ना हर बार ना ज्यादा फनी वाली बात चाहिए होती है. अब कम फनी वाले जाए तो कहाँ जाए. अरे आप इतना नाराज क्यों हो रही हैं? पर आप क्यों नहीं नाराज हूँ? कल रात को मैं वो बजा रही थी, मैं तो थक ही गई बाबा. बांसुरी? नहीं नहीं बांसुरी नहीं, मैं पियानो बजा रही थी. पियानो ऐसे थोड़ी बजता है, वो तो ऐसे नीचे रख के बजा, टेबल पे. पियानो को मैं यहाँ रख कर बजा रही थी ना. आप ऐसे ही बोली जा रही है इधर उधर की बातें. गाने वाने का पता है आपको कुछ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऑफ कोर्स. देखिए गाने के बारे में मैं जरूर कहूंगी कि गाने में ना नोट का बड़ा ध्यान होना चाहिए, है ना. मतलब किस नोट पर गा रहे हैं, मतलब हाई पे या लो पे. मैं हाई लो नहीं है, 500 के नोट के लिए गा रहे हैं, 2000 के नोट के लिए गा रहे हैं. अरे आजकल तो सिंगर्स लाखों रुपया कमाते हैं, थोड़ी होता है. हाँ ये बात तो है. मतलब सलमान ने, इन्होंने इंडियन आइडल जीता. वाह कितने पैसे कमाए, क्या बात है बेटा, वेरी गुड. देखो एक बात है ध्यान रखना, जितने भी पैसे कमाओ ना किसी को बताना मत. अच्छा. लोग उधार मांगने आ जाते हैं. बेटा जरा 500 दो. आप खुद पैसे मांग रहे हैं? नहीं नहीं मैं बता रही हूँ कि मेरा स्टूडियो का नंबर है 502. जब गाने का मन करे वहाँ आ जाना, मुझे सुनने का बड़ा मन करता है. देखो बातों बात में पता ही नहीं चला मेरा रियाज का टाइम हो गया. बट आशा जी आप जाए उसके पहले. हाँ जी. मैंने आपको देखा था. हाँ जी हाँ जी. फराह खान की आप जो आवाज निकालती है ना, वो मतलब काबिले तारीफ है. आशा जी प्लीज. ओह गॉड नाउ इट्स टू मच, आई एम वेयरिंग साड़ी. लास्ट एपिसोड ऑफ जॉइन फराह नाउ आस्किंग मी टू डू, आई मीन एम डू आशा नो राइट नाउ. ओह माय गॉड. जैसे मैं कह रही थी मेरे रियाज का वक्त हो गया है. हेलो रियाज गाड़ी निकालो. नहीं मैं कह रही हूँ
गाड़ी निकालो यानी कि गाड़ी बेच दो, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, हम लोग घोड़े पर ही जाएंगे, चलो चलते हैं। ओके बाय 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 बाय। सुपर्ब जर्नी, बहुत बढ़िया। भाई हम हमेशा सुनते हैं ना कि म्यूजिक की कोई भाषा नहीं होती, और खास तौर पे जब आप इतने धुरंधर कलाकार बैठे हैं, एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं, तो एक आपके साथ गेम खेलते हैं हम। आइए। उसमें क्या है, सबके सर पे हेडफोन लगे होंगे, मैं किसी एक को फॉर एग्जांपल सलमान को कुछ बताऊंगा, उसने आगे आपको समझाना है, अब आपके कान में म्यूजिक बज रहा है, आपको मेरी साउंड नहीं आएगी लेकिन ऑडियंस को आएगी। आइए खेलते हैं, बच्चों वाले काम करते हैं। आइए प्लीज हेडफोन लेके आइए फटाफट। ऐसा इंप्रोवाइज किया मैंने, इसको बोला कि भैंस पूंछ उठाएगी तो गोबर ही करेगी, इसने बोला गोबर ही निकलेगा, आगे इन्होंने क्या बोला, मैं वही बोला, इन्होंने यही बोला, आगे सुनिधि ने तो ऊपर भैंस पूंछ उठाएगी तो मिट्टी निकलेगी, और उसने आगे क्या किया हर्ष ने, भैंस पूंछ उठाएगी तो बिल्ली निकलेगी। वाह क्या बात है, थैंक यू, धन्यवाद। अच्छा दोस्तों, कभी कभी हमें लगता है कि हमें कोई समझता नहीं है, हम बड़े अच्छे सिंगर हैं, मुझे भी लगता है कभी कभी, अगर आपको लगता है कि आप अच्छा गाते हैं और अगर लोगों ने आपको ये भी बोला कि आप अच्छा नहीं गाते, तब भी आज यहाँ पे जो लोग खड़े हैं ये आपकी फीलिंग को समझेंगे और आप अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। कौन सबसे पहले आएगा, अपना हाथ खड़ा करें। अब आप बैठ जाइए प्लीज, है ना, आप प्लीज बैठ जी। ये आए हैं हमारे बारह बंकी से शाहरुख खान साहब, माइक ले लो, ऐसे कर भी लिया। हेलो कपिल सर। हेलो। हेलो एवरीवन। हाय। हेलो मैम। हाय। माय नेम इज शिवम सर। एक्चुअली सर मैं बचपन से, मेरा सपना था सिंगर बनने का। अच्छा। लेकिन लोग मुझे समझते ही नहीं है, और इतने बड़े बड़े सिंगर मेरे सामने बैठे हैं, तो शायद ये मुझे समझे और गाने का मौका दे। गाओ गाओ। तो बचपन से आपको एक ही सपना आ रहा है रोज। शिवम बताओ ना, उम्र कितनी है आपकी? सर 19। अभी तो दूसरे वाले सपने भी शुरू हो गए होंगे। मतलब गाने के साथ एक्टर वाले भी। चलो थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन। शिवम कहाँ से आए हो आप? सर मैं एमपी से रहने वाला हूँ। एमपी के हो और कब जा रहे हो? नहीं मजाक करो, क्या क्या करते हो आप यहाँ पे? सर मैं स्टूडेंट हूँ। और गाना सीखा है आपने कभी? सर शौक बहुत रहा है। अच्छा। लेकिन परमिशन नहीं देते ना घर वाले, तो परमिशन नहीं देते घर वाले, उन्होंने सुन लिया होगा पहले। शायद सीख के मार दो किसी गुरु को। एक उस्ताद रखो आप, उसको ये सुनाओ, सुना सुना के मार दो उसको। थैंक यू शिवम, काले कपड़े लगे आपको, नजर ना लगे आपको, बहुत बहुत धन्यवाद, आपके गाने को नजर ना लगे। थैंक यू ब्रदर। और कोई हमारे दोस्त से मन की बात करनी हो, गाना ना सुनाना हो? जी जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश दुबे, मैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश से आया हूँ। अच्छा जी, बहुत बहुत स्वागत है। और मैं सबका बहुत बड़ा फैन हूँ, और खासकर सुनिधि मैम का। और मैम हम सब जानते हैं कि आप कितनी वर्सटाइल सिंगर हैं, और मेरी एक छोटी सी फरमाइश आपसे है, मैं आपसे बस एक जगजीत जी की कोई सी भी गजल सुनना चाहता हूँ। अच्छा, वाओ। कमाल है, आपने मुझे जगजीत जी की गजल गाने के लिए कहा, मुझे बहुत ही पसंद है वो आर्टिस्ट, और मेरे कुछ शोज में रिसेंटली मैंने उनको एक गाना गाकर श्रद्धांजलि भी दी, सो आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे एक बार और ये मौका मिलने वाला है। दिस इज फॉर यू जगजीत। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू, ये इतना खूबसूरत फरमाइश किया आपने। थैंक यू सर, जगजीत साहब का तो कौन फैन नहीं है सर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत ही कमाल सुनिधि जी, थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे ड्रमरों के लिए। आइए सलीम भाई, सुनिधि, सुलेमान भाई, हर्षदीप, सलमान, आइए प्लीज। सलीम भाई, हमने बड़ी ढेर सारी बातें करी, हंसी मजाक काफी हुआ, लेकिन अभी तक भूमि एल्बम में से कोई गाना मैं चाहता हूँ कि आप सबने जो गाए हैं प्लीज दो दो लाइनें हमारे दर्शकों के लिए जरूर हो जाए। ये जो गाना है इट्स लाइक अ प्रेयर, हमने एक कवाली की तरह उसको वो किया है, बट एक्चुअली ये है एक दुआ। वाओ प्लीज सर, बहुत ही ब्यूटीफुल डिवाइन। वाओ। एक गाना हमने जलियांवाला बाग, जो बहुत ही एक
डार्क डे था इंडियन हिस्ट्री में. जी. अमृतसर पंजाब में बहुत लोग शहीद हुए 13 अप्रैल को 1919 में. और हमने सोचा कि एक गाना ऐसा होना चाहिए जो जलियांवाला बाग को रिप्रेजेंट करे, उस मैसेकर को. तो क्लिंटन और बियंका, उनका एक डुओ है जिसका नाम है शोर पुलिस, उन्होंने ये गाना बनाया और हर्षदीप के साथ कोलैबोरेट किया ये गाना. तो थोड़ा सा इंटेंस गाना है ये, पर हमने सोचा था कि एक हमारी हिस्ट्री को एक रिप्रेजेंट करे ऐसा एक गाना होना चाहिए. हर्षदीप सलीम, थैंक यू फॉर मेकिंग योर पार्ट ऑफ भूमि 2021. और ये जो गाना है जलियांवाला, मैं कहूँगी गाना नहीं है, एक कह सकते हैं कि अंदर का जो आक्रोश है या जो जो गुस्सा है, जो दर्द है, वो पूरा शोर पुलिस ने और आपने सबने मिलकर एक गाने में डाल दिया. और मेरी पूरी कोशिश रही कि मैं इसको जस्टिस कर पाऊँ, एंड आई एम ब्लेस्ड टू हैव संग दिस सॉन्ग. हमने बहुत सारे गाने सुने सुनिधि चौहान के, सुलेमान और मैंने बहुत सारे गाने किए फिल्मों के लिए. और हमारी तमन्ना थी कि हम एक ऐसा गाना करें जो समथिंग विच इज अ लिटिल डिफरेंट, थोड़ा हटके. इट्स कॉल्ड घर आओ ना. ओके. क्या बात है, क्या बात है मैम. थैंक यू. ओह माय, थैंक यू सो मच. सो सो गुड. क्या बात है सलीम भाई. थैंक यू सो मच कपिल भाई, हम सबकी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. आप लोग आए, इतना भरपूर टैलेंट एक ही मंच पे, इतने सारे धुरंधर लोग हो तो वैसे ही माहौल बन जाता. थैंक यू सो मच. और बड़ा प्यारा एल्बम है. थैंक यू. अभी तो हमने यू नो दो तीन गाने सुने हैं, और पूरी एल्बम जब आप सुनेंगे, क्योंकि ये बड़ा दिल से बनाया हुआ एल्बम है आपका, और इसमें हर एक गाना एक के बाद एक बढ़िया ही आए नो, और बड़ा मजा आ गया सुनिधि. थैंक यू सो मच. थैंक यू हर्षदीप. थैंक यू सलमान. थैंक यू सलीम भाई. थैंक यू सलीमान भाई. थैंक यू कपिल. थैंक यू. और दोस्तों आप सबसे अनुरोध है कि बाजारों में भीड़ करने से बचें, मास्क लगा के रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें. स्वस्थ रहें, खुश रहें. गुड नाइट, शुभ रात्रि. थैंक यू.